आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर पहले है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन जो शब्द है, कॉमन कॉमन का मतलब ये होता है जितनी भी हमको डिजिट दी गई है उसके अंदर क्या चीज कॉमन है कि नहीं, कि ऐसी कोई डिजिट जो सभी को डिवाइडेशन कर सकती है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि 32, 56 एंड 72। अब ये कोई डिजिट लिख रखी है, अब इसके अंदर हमको ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो इन तीनों को उससे डिवाइडेशन किया जा सकता हो। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 किस किस टेबल में आता है, या इसको अपन फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वही मेथड है अपना 32 का। 32 का पहले हम एलसीएम का 32 का 16 28 24 22 21। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार से 56 के फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे हमारे, 56 के 56 लास्ट में 6 है आपके, 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 से 2 1 जा 1 और 2 8 4 जा 8, फिर 2 से 7 फिर 7 1, यानी कि 2 2 इंटू 7, 2 2 2 इंटू 7। अब देखिए नेक्स्ट 72 के फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे हमारे, 72 हम देखेंगे 2 से 2 3 जा 6 2 6 जा 13, 2 से 18, 2 से 9 3 3 3 1, 2 2 3 3, यानी कि 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि तीनों के अंदर ऐसी कौन कौन सी डिजिट हैं जो सेम, यानी कि 1 2 1 1 1 2 सेम है, इसमें ये 2 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 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, 7 किसी में भी नहीं है, तो इसलिए हमारे क्या आगे ये 3 और ये 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें लिखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, कॉमन फैक्टर क्या आया, 8 ऐसी डिजिट है जो इसको भी डिवाइडेशन करेगी, इसको भी डिवाइडेशन करेगी और इसको भी डिवाइडेशन करेगी। इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कि ये डिजिट जो दी गई है ऐसी कौन सी डिजिट है जो इन तीनों को सॉल्व कर सकती है, यानी कि डिवाइडेशन कर सकती है, ये कॉमन फैक्टर है 8। कुछ ऐसी भी डिजिट आएंगी, देखना आप, जिसके अंदर कोई भी ऐसी डिजिट नहीं आएगी कि वो सॉल्व कर सके, या उसका कॉमन फैक्टर है। जरूरी नहीं सभी डिजिटों के कॉमन फैक्टर आएंगे। देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, मान लो अपन मान लेते हैं 25 एंड 27। ठीक है, और 25 एंड 27, वैसे आपको दिख गया होगा कि ये 27 है, ये टेबल में किसी में आता ही नहीं है, फिर भी अपन इसको सवाल को सॉल्व कर करके देखते हैं कि वास्तव में
इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर है या नहीं है। 5, 5, 1, 5, 5 25, 5, 5। तो 25 का क्या आ गया हमारा 5 × 5। अब 27 का आप निकाल सकते हैं, और वैसे मैं लिख देता डायरेक्ट इसके अंदर 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। अब इसमें देखेंगे ऊपर 5 है, इसमें 5 है नहीं, इसके 5 है इसमें 5 नहीं, यानी कि 25 और 27 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, 16x³ − 4x² − 32x। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉमन फैक्टर बनेंगे जो ये पूरे को डिजिट को सॉल्व कर सकता है। वही अपना नियम है करने का, 16x³। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 16 का, आपको वही एलसीएम मेथड से निकालना है। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, x × x × x। ओके, अब देखिए अगली डिजिट है माइनस के, 4x². ठीक है, 4x को अब अपन कैसे लिखेंगे, x² को इसको 2 × 2, x² को क्या लिखेंगे, x² × x × x। अब 32x को हम क्या लिखेंगे, 32 को वही 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 × x। ओके, अब आप इसके अंदर देखेंगे कि हम देखेंगे कि तीनों डिजिटों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, एक 2 तो हमारा ये आ गया, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, एक हमारा 2 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए x और ये एक x, यानी कि ये x और ये x × x, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर x है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें हमारा एक x हम ले चुके हैं, परंतु इसके अंदर केवल एक ही x था, यानी कि जो सबसे कम डिजिट होती है वो ही कॉमन फैक्टर के अंदर आती है, यानी कि ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4 और × x, यानी कि 4 है। 4x ऐसी डिजिट है जो इन समों के कॉमन फैक्टर के अंतर्गत आती है। अब इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे सवाल को करने के लिए, आपको अगर मैं सीधा सा भी बता देता हूं कि इसके अंदर सीधा सिंपल, इतना ना कर करके आप सीधा सिंपल किस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 16x³ लिख दिया अपन ने, ठीक है, माइनस के 4x² लिख दिया, इसमें 32x लिख दिया। सबसे पहले हमें देखना है कि इन डिजिटों के अंदर कौन सी ऐसी छोटी से छोटी डिजिट है, पहले ये चेक करेंगे। तो 4 सबसे छोटी है, ठीक है। अब 4 को इसमें टेबल में अगर हम बोलेंगे आएगा कि नहीं, 4 × 4 = 16 और 4 × 8 = 32, यानी कि हमारा 4 तो ये आ गया। अब इसके अंदर x³ है, x² ये x है, सबसे छोटा कौन सा है हमारा, x, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर 4x आ गया। यहां भी 4x आ गया और यहां भी 4x आ गया। ये सीधा सीधा देख करके हम सिंपल रूप से भी कर सकते हैं, और मेथड के अनुसार हमारा ये सवाल भी है। अब मैं आपको
कुछ सवाल देता हूँ जो आपको घर बैठ करके ये करने हैं, ठीक है। समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर देना और मैं उन सवालों को आपको दोबारा से समझा सकता हूँ।